हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, मोस्ट प्रोबेबली ऑल द चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड इन इकोनॉमिक्स। नाउ वंस अगेन आई हैव स्टार्टेड नेशनल इनकम बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। सो ओपन दिस चैप्टर नेशनल इनकम। Now see in the screen, read, what is national income, right? So beta, what is written here, national income measures the total value of goods and services produced within the economy over a period of time. What is the meaning of this? It means beta, whatever goods and services are produced in an economy during an year. Likewise, you can let in India in 2020 from 1st April to 31 March, 243 billion goods and services are produced in India. Okay. सो वॉट एवर इनकम इज अर्न दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। वो क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम कहलाएगी। राइट। अनदर वे, इफ यू वॉन्ट टू नो नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम मीन्स टोटल इनकम अर्न्ड बाय एन इकोनॉमी फ्रॉम ऑल सोर्सेस ऑफ डोमेस्टिक एंड abroad. Okay, that is called national income. In Hindi, if you want to say, the total आय income जो साल में हुई है economy में, ठीक है, you can say GDP, ठीक है. So GDP will be formed by the help of this national income, and in the short form to national income you can say NNP@FC, net national product at factor cost. Okay, so it is the name of national income. Okay, about all these things we will study further. First of all, what you have to be clear, what is national income? So beta, national income means the measure of the total value of goods and services, aap keh sakte hain, ya total income earned by an economy during an accounting year is called national income. Okay, is it clear? Next point is, why national income important? Why national income important? Measuring the level and rate of growth of national income is important to economists when they are considering economic growth and where a country or business is in the cycle. बात समझिए आप, national income का होना क्यों जरूरी है? As but every business, you know very well, ki if any business will not earn income, then what will happen? Business cannot survive. Then business can not survive, beta. ठीक है, business चल ही नहीं पाएगा. तो business की growth के लिए हमें क्या चाहिए? Income चाहिए.
अब जब बिजनेस की ग्रोथ होगी तो उससे क्या होगा, कंट्री को बेनिफिट होगा, इन गवर्नमेंट को अर्निंग होगी। गवर्नमेंट को अर्निंग कैसे होगी, हाउ गवर्नमेंट विल गेट अर्न बेटा, सी लाइकवाइज इफ अ बिजनेस मैन अर्न्स 10 लाख, ओके, नाउ हाउ मच टैक्स दे हैव टू पे इन एन अकाउंटिंग ईयर, अराउंड 5%। तो 10 लाख का 5% कितना हो गया, 50,000। सो दिस वे हायर टैक्स पेयर मोर देन 30 लाख, दे हैव टू पे 30%, ओके। सो दिस वे द इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो अर्न्स। तो देन वी कैन कैलकुलेट टोटल इनकम अर्न बाय इकोनॉमी। इसी तरह से जितने भी अलग अलग सोर्सेज से गवर्नमेंट इनकम अर्न करेगी तो टोटल जो देश की इनकम हो जाएगी, गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस भी हैं लाइक ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, एयरवेज, ओके, स्कूल्स एट्सेट्रा, सो फ्रॉम देयर गवर्नमेंट ऑल्सो अर्न मनी। सो ओवरऑल वॉट एवर इनकम इज अर्न बाय एन गवर्नमेंट और एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन ईयर इज मेजर्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अगर इनकम बढ़ रही है तो हमारे देश की तरक्की हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है तो इट मीन्स आवर कंट्री इज डेवलपिंग। इफ इट इज डिक्लाइनिंग इट मीन्स आवर बिजनेस इज नॉट डेवलपिंग, ओके। एज वेल एज टू नो द चेंजेस एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पॉपुलेशन, ओके, नेशनल इनकम इज रिक्वायर्ड, एंड लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम मेजरिंग द नेशनल एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट कंपेयर अवर सेल्फ एज वेल एज वी आर नॉट एबल टू नो द इनइक्वालिटीज, राइट, इज इट क्लियर। सो नेशनल इनकम इज बेसिकली रिक्वायर्ड टू मेजर टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। नाउ बेटर सी नेशनल इनकम, देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट वन इज जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेटा। तो व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज डिफाइंड एज एन एग्रीगेट मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू द सम ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल रेसिडेंट इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स इंगेज्ड इन प्रोडक्शन। जीडीपी क्या है, इट इज़ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू सम ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल रेसिडेंट इंस्टीट्यूशनल यूनिट इंगेज इन प्रोडक्शन। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जो भी बेटा विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, इसमें हमारा नेशनल इनकम नहीं होगा। डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है कि द इनकम earned by the country within the domestic territory of a country, okay, it's called domestic income, and that's converted into gross domestic product, okay. And whenever we add the income by citizens of other country, ठीक है, that's called gross national product, ठीक है, property supplied by citizens of a country is the called, जैसे India का citizen है but they are working in abroad, ओके, तो वन एवर दे विल सेंड इनकम हेयर, सो दैट इट्स कन्वर्टेड इनटू नेशनल, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, दोनों में ही बोल दिया है कि इनकम अर्न्ड बाय इनकम, बट द डिफरेंस इज दैट इन जीडीपी जो आपका डिफरेंस क्या है, इन डोमेस्टिक है, राइट, इन डोमेस्टिक एब्रॉड इनकम इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, बट हेयर इन नेशनल इनकम whatever income earned from abroad NFIA net factor income from abroad is to be added, okay. तो domestic income और national में फ़र्क पता लग गया, GDP में, तो GDP is the बेटा gross domestic product और gross domestic income, तो वो क्या होती है, which is earned by an economy within the domestic territory of a country
is called domestic income. A national, which is earned by an country during an accounting year by citizens of a country, means from all the sources, either it is from abroad or either it is from country. Okay. As you can see in the screen, measuring national product and national income. ठीक है, जो national income है measure करते हैं. National income is termed as the circular flow of an economy during an accounting every year. ठीक है, हर साल जो national income अलग अलग calculate हो रही है, तो एक तरह का क्या है, circular flow. How circular flow बेटा? There are the two sectors in an economy, household sector and producer sector or business sector. Okay, households consumes goods and services as well as provide raw materials for the businesses, whereas businesses are providing goods and services to consumers as well as use inputs or raw materials sold by household. Okay, so whenever household sell raw material, okay, whenever household sell raw material, then what will happen? Resources will go to businesses. Then for it, what they will do? They have to pay money. Okay, तो businesses क्या कर देते हैं, उनको मनी पे करते हैं इसके बदले. एंड देन आफ्टर दैट, वॉट एवर आउटपुट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई बिजनेस, दे हैव टू बी परचेस्ड बाई हाउस होल्ड, लाइक क्लॉथिंग है, फूड है, ठीक है, बिस्किट्स हैं, ऑल दिस प्रिपेयर्ड बाई बिजनेसेस. ओके, देन दे आर परचेस्ड बाई हाउस होल्ड, देन अगेन दे हैव टू पे मनी टू हाउस होल्ड. तो इस तरह से इंटरनली प्रोसेस चलता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सा एग्जाम्पल है, जैसे फार्मर है, फार्मर ने वीट को बेचा किसको, बिजनेसेस को. अब बिजनेस मैन ने उसको खरीद के उसको रिसाइकल करके बिस्किट बनाया, ठीक है. अब जब इसने ये खरीदा है, ओके, ही परचेस्ड, ही सोल्ड इनपुट, ठीक है. अब इसके बदले बिजनेस उसको पेमेंट दे देगा, बट आफ्टर द प्रोसेस बिजनेस मैन व्हाट दे डिड, दे अगेन वेन मैन्युफैक्चर बिस्किट्स. अब बिस्किट किसको खरीदना है, हाउस होल्ड को खरीदना है. वेन एवर दे परचेज, देन आफ्टर दैट दे हैव टू पे मनी अगेन टू बिजनेसेस मैन. तो दिस इंटायर प्रोसेस कंटिन्यू एंड इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स द फ्लो ऑफ एन इनकम, दैट्स कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अगेन आई एम शोइंग यू द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. कि नेशनल इनकम क्या होती है बेटा? नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, अब यहाँ पॉइंट क्या लग गया, फैक्टर इनकम. ठीक है, फैक्टर इनकम का मतलब क्या हो गया, अभी मैं पढ़ा रहा था ना कि टोटल जो भी फैक्टर्स हैं कंट्री के, ठीक है, रिसोर्सेस हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो भी इनकम अर्न करी जाएगी वो क्या होगी, फैक्टर इनकम. तो देयर आर द बेसिकली फोर फैक्टर. ठीक है, फोर फैक्टर्स हैं मेनली जो क्लासीफाई करे जाते हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के लिए. नंबर वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, देन आफ्टर दैट बेटा रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ठीक है, तो दीज फोर आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाई प्रोड्यूसर, ओके, एंड फॉर दैट दे विल गेट मनी. ओके, तो इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? फैक्टर इनकम इज क्लियर? नाउ सी वन थिंग मोर, कि फैक्टर इनकम इज बिटे डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम. व्हाट?
Factor incomes are different from transfer incomes. How? Transfer income is the income which is not earned by you, but suddenly someone have transferred, like someone donated money, okay, as well as some has paid for charity. So whereas factor income are those incomes which are factors of production which are earned by rendering factor services. ठीक है, तो ये clear हो गया. So national income की definition बहुत important है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा. It will be of 2 to 3 marks in the board examinations. Right? Till here any problem? No problem. Now better next point is normal residents of a country. Who are normal residents of a country? NR, normal residents. A person is said to be normal who ordinarily resides in the country concerned. ठीक है, कि कोई भी person जो किसी भी country में ordinarily रह रहा है, okay, as well as whose economic interest lies in the same country, her note observations scrub. ठीक है, तो अब दो चीजें हो गई, एक तो वो कंट्री में रहना चाहिए, as well as second thing they must have economic interest in the same country, that is called normal residents. Okay, so a person residing in a country, अब residing in a country में ये नहीं कि वो 2 महीने से रह रहा है, they must have to be staying in a country, residing in a country for a period of 1 year or more is to be taken as ordinarily residing, okay, in that country. So this person may or may not be the citizen of that country. Okay. Next is a person is said to be have his economic interest in a country when he or carry out all economic activities such as production, consumption or investment in that country. ठीक है, अब ये भी चीज़ है कि कोई भी पर्सन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, ऑल दिस इज परफॉर्मिंग इन द सेम कंट्री, सो देन ही और शी विल बी द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. ओके, सो वन थिंग हेयर ऑल्सो आई वॉन्ट टू से, लाइकवाइज द पर्सन्स हु आर डूइंग जॉब्स इन फॉरन कंट्रीज, लाइकवाइज ऑन बॉर्डर्स, बॉर्डर पर आर्मी की टीम है, फॉर समटाइम्स दे हैव टू गो टू अदर कंट्रीज फॉर वर्किंग, तो 2 या 3 महीने के लिए या 1 साल की जगह या 2 साल के लिए आप जॉब पर जा रहे हैं फॉरन किसी भी कंट्री में, आफ्टर दैट तो यू हैव टू रिटर्न बैक इन इंडिया ना, देन यू विल नॉट बी द रेसिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री देयर. वेन एवर द पर्सन हुज टोटल इंटरेस्ट लाइज इन अदर कंट्री, मतलब सेम कंट्री, देन ही विल बी कॉल्ड अ नॉर्मल रेसिडेंट, मतलब 1 साल हो जाना चाहिए, सारा पैसा उसी कंट्री में लगा रहो, देन वी कैन से ही और शी इज द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वन मोर डिफरेंस आई हैव एडेड हेयर, फोकस ऑन दैट इंडियन वर्किंग इन फॉरन एम्बेसी इन इंडिया, जैसे कोई भी इंडियन ही फॉरन एम्बेसी में काम कर रहा है, ही विल नॉट बी द नॉन रेसिडेंट, ही विल बी रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, बट अ फॉरनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कैनेडा एंड जापान, देन ही विल बी नॉन रेसिडेंट. समझे बात को, मतलब कि हमारी इंडियन एम्बेसी ही है, बट दैट इज लाइज इन फॉरन कंट्री, एंड वहीं का फॉरनर उस एम्बेसी में लगा हुआ है, तो ही विल बी नॉन रेसिडेंट्स फॉर आवर कंट्री. ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया. अब जैसे WHO है तो उसके जो एम्प्लॉयज इंडिया में जो सेंटर्स हैं दे आर वर्किंग, दे आर कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट, बट वेयर इज द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, फॉरनर्स जैसे हैं, तो वो हमारी कंट्री में काम करने, मैंने कहा था ना कि कुछ टाइम के लिए काम करने आए हो, देन आफ्टर दैट यू विल गो बैक, सो दिस विल बी नॉन रेसिडेंट्स. ओके, लोकल पीपल वर्किंग इन ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF में लोकल पीपल काम कर रहे हैं, तो लोक ऑफिस इंटरनेशनल है ना, बट यू आर तो इंडियन, देन यू विल बी द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, वाइल
The German working as a director of office in IMF located in India. अब कोई IMF India में located है, वहाँ foreigner काम कर रहा है, तो he will not be the Indian resident ना, he will be non-residents of India. So next one is ambassador for India in the rest of the world is the normal residents of a country, whereas ambassador in India from the rest of the world India में है, बाहर से आया हुआ है, he or she will be the non-residents. Okay, so thank you students for watching this video. Till here we have prepared. Now next topic, domestic and national income concepts, deeply basic concept GDP, NDP, all we will discuss in the next video. Bye bye, take care.